पीटर्स चैनल के माध्यम से आपके लिए 12 खड़ी पार्ट 2 लेकर आए हैं, हिंदी अंग्रेजी पार्ट 2। अब इसमें देखें आप कि आप अपने बच्चों को जब लिखवाएंगे तो हिंदी की मात्रा भी सुधरेगी और साथ में वह हिंदी से अंग्रेजी में भी लिखना वो सीखेगा और इंग्लिश भी सुधरेगी उसकी और हिंदी भी सुधरेगी। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको समझाना है और बच्चा है या छठी सातवीं क्लास के भी बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश लिखने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो देखें और अपनी हिंदी भी और अंग्रेजी भी आप सुधार सकते हैं। क के लिए अब देखिए, क के लिए यहाँ सी भी हम लिखते हैं और के भी। उसके लिए हम शब्द यहाँ आपको बनाना में बताती हूँ, जैसे लिखा है कार, तो क के लिए यहाँ आ गया सी, आ की मात्रा लगी तो ए, और र के लिए आ गया ये आर। ये हो गया कार। अब इसके लिए क के लिए के भी हम लिख सकते हैं यहाँ, तो ये है जैसे यहाँ लिखा किताब, तो आप बताइए कि क के लिए क्या लिखना है, तो यहाँ क के लिए लिखना है के, मात्रा यहाँ लगेगी तो छोटी की मात्रा है, ये हो गया की। फिर त के लिए है टी, आ की मात्रा के लिए आपका हो गया है ए, और ब के लिए हो गया है बी, ये हो गया किताब, ये छोटी की मात्रा। अगर इसे बड़ी की मात्रा में लिखना है तो यहाँ जैसे लिखा है खीर, अब खीर कैसे लिखेंगे, तो खीर के लिए यहाँ आ गया के एच ख, ये ख है, और बड़ी की मात्रा यहाँ लगती ख के लिए केच, बड़ी की मात्रा के लिए हो गया डबल ई, और र के लिए हो गया आर, ये हो गया खीर। अब ख के लिए जैसा मैंने ऊपर भी समझाया है और यहाँ नीचे भी मैं आपको समझा रही हूँ, अब यहाँ लिखा है खादी, तो ख के लिए आपको बताया मैंने पार्ट वन में, आपको सभी मैंने व्यंजनों का बता दिया था कि किसके लिए क्या लगेगा, लेकिन हमारे पास फिर कुछ बच्चों के कंफ्यूज जैसे यहाँ की क के लिए सी और के कैसे है, तो हमारा यही प्रयास है कि किन किन शब्दों के लिए, दो से तीन शब्दों को या तीन शब्द भी अगर इसमें आते हैं तो किसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, ये आप पूरा देखिएगा बारह खड़ी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ है खादी, तो ख के लिए आपका आ जाता है यहाँ पर के एच, और आ की मात्रा लगी है तो ए, द के लिए आ गया डी, और बड़ी की मात्रा है तो यहाँ कुछ आई भी लगाते हैं, कुछ बड़ी डबल ई भी लगा देते हैं, तो ऐसे खादी ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है, और कुछ है कि डबल ई की जगह यहाँ पर आई भी लगा देते हैं। इसके बाद है जी के, ग के लिए लगेगा जी, और यहाँ हमने शब्द लिखा है गाना, तो ग के लिए आ जाएगा जी, आ की मात्रा लगी है ए, न के लिए आ गया एन, आ की मात्रा लगी है ए, ये हो गया गाना। अब घ के लिए जी एच लगता है, आप अपने बच्चों को लिखवाते जाइए और पूछते जाइए, जैसे पार्ट वन में बच्चों ने बहुत कुछ याद कर लिया होगा, अब आप ये तरीका उन्हें बताइए और आप पूछिए उन्हें और लिखवाइए उन्हें, तो घ के लिए आता है जी एच, अब आ की मात्रा लगी है ए, न के लिए आ गया एन, और आ की मात्रा के लिए आ गया ए, ये हो गया खाना। अब च के लिए है सी एच, और शब्द हमने लिया है चेस्ट, इसमें ए की मात्रा, तो च के लिए है सी एच, ए की मात्रा के लिए हो गया ई, और स के लिए एस, और ट के लिए आ गया टी, ये हो गया चेस्ट। अब अगला शब्द है छाता, च के लिए, बच्चों को आप बताइए, बहुत आसान तरीका है कि च के लिए सी एच और छ
में सी डबल एच होता है, तो यहाँ छ सी डबल एच आ की मात्रा के लिए है ए, त के लिए आ गया टी और आ की मात्रा के लिए आ गया ए, ये हो गया छाता। ये बहुत आसान तरीका है और बच्चे जो है कठिन से कठिन हिंदी के भी शब्द और कठिन से कठिन अंग्रेजी के भी शब्द खुद स्वयं लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद अगला हम करते हैं ज। अब ज के लिए इसमें तीन शब्दों का उपयोग होता है, वो आपको हम बताते हैं कैसे। शुरुआत करते हैं, देखिए इसमें ज में तीन अंग्रेजी के शब्द हैं, ज से जी, जे और जेड। यहाँ जिंजर, जग और जीरो। ज से जे छे, ट से टी है, ठ से टी एच है, ड से बी है, ढ से डी एच है और अण से न है। अब इसमें देखेगा कि ट से लेकर अण तक ये जो है अगली जो त त अंत वाली लाइन है, तो त से भी टी रहेगा, ठ से भी टी एच रहेगा, ड से डी रहेगा, ध से डी एच रहेगा, न से एन रहेगा। तो ये आप बच्चों को ये समझाइए कि दोनों ट वर्ग और त वर्ग उसके लिए अंग्रेजी के समान शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। अब यहाँ है जिंजर, जिंजर ये न का उच्चारण, तो यह ज के लिए जी आ गया है, ई की मात्रा के लिए आ गया है आय। यहाँ जो ये अ वाली मात्रा है इसके लिए आ गया है एन, फिर ज के लिए जी और र जिंजर ई आ रहा है यहाँ पे जर, ये जी ई आर हो गया है। अब जग, अब ज अ का उच्चारण हो रहा है, अ के लिए होता है यू, जैसे अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला की जब स्पेलिंग हम शुरुआत करते हैं तो यू का उच्चारण करते थे, या जग अ का उच्चारण हो रहा है यहाँ, तो ज के लिए हो गया है यहाँ जे और अ के लिए हो गया यू और ग के लिए हो गया है जे, ये हो गया जग। अब जीरो, देखिए ज के लिए जेड और बड़ी की मात्रा है ई और र के लिए आर और ओ की मात्रा के लिए हो गया ओ, ये हो गया जीरो। अब झांसी, देखिए ये चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु के लिए हम क्या उपयोग यहां कर रहे हैं वो भी आपको समझा रहे हैं। झ के लिए जी एस तो हमने कर ही दिया है, आ की मात्रा लगी है ए और ये जो चंद्र बिंदु है उसका उच्चारण मतलब नाक से होता है, अगर अम आप बोल के बच्चों को ये समझाएं और उसका उच्चारण करवाएं अम तो नाक से उसका स्वर निकलता है, ये एन चंद्र बिंदु का एन है। स के लिए एस आ गया, ई के लिए यहाँ आय। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था बड़ी ई या आय आप उच्चारण इसमें जो है अंग्रेजी शब्दों में ई डबल ई या आय का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब ये टॉय, अब यहाँ ट के लिए है टी, ये जो ऊपर लगा हुआ है टॉय, ये इन दोनों को मिलकर ओ और यह के लिए हो गया वाई, ये हो गया टॉय। अब टी एच, ठ के लिए टी एच, यहाँ लिखा है ठाकुर, ठ के लिए हो गया है टी एच और आ के लिए है ए, क के लिए है के, उ की मात्रा के लिए है यू और र के लिए है आर, ये हो गया ठाकुर। अब डी से हम शब्द बनाते हैं डॉग, अब डी से हमने डॉग बनाया यहाँ, तो ड से हो गया डी, ओ का उच्चारण स्वर निकल रहा है ओ और ग के लिए हो गया जी, ये हो गया है डॉग। अब यहाँ देखिए आप ढ से ढक्कन, अब ढ से डीएच तो हम लिख चुके हैं यहाँ, ये डीएच आपको बताया डीएच और अ का उच्चारण अ का स्वर निकल रहा है तो ए और आधा क है पूरा क है इसलिए हमने डबल के यहाँ लिखा हुआ है और न के लिए हो गया है एन। अब देखिए यहाँ अण उसके लिए न, लेकिन आप कहेंगे कि जब न है और शुरुआत श से हो रही है, लेकिन ये जो अण है ये कहीं बीच में इस शब्द से शुरू
शुरुआत नहीं होती है। इसका अण जो है किसी और शब्द में लग गया, उसका उच्चारण जैसे शरण, प्रणाम, प्रण, तो यहाँ आपको समझा रही हूँ कि इसलिए यहाँ शरण लिखा है क्योंकि ये आखिरी में अण का उच्चारण यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये शरण श के लिए एसएच हो गया, श उच्चारण हो गया, एसएच हो गया, र के लिए आर है, इसमें भी र अ का स्वर निकल रहा है इसलिए ए लगा हुआ है। आप देखें फिर से श श एस एच ए क्योंकि अ का स्वर निकल रहा है, फिर र इसमें भी अ का स्वर निकल रहा है आर ए, और अण के लिए एन हो गया। तो ये हो गया शरण। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि त वर्ग और त वर्ग दोनों ही समान यहाँ अंग्रेजी के शब्द लेंगे या हिंदी के शब्द है, मैं यहाँ परिवर्तन कर रही हूँ, आप देखिए और उसकी स्पेलिंग भी आपको बता रही हूँ। मैं आपको बताया था कि ट वर्ग और त वर्ग समान अंग्रेजी का, अंग्रेजी शब्दों का समान प्रयोग, जैसे ट के लिए भी टी था, ठ के लिए टी एस था, वैसा ही आप अपने बच्चों को आप समझाइए। और यहाँ उन शब्दों का कैसे मैंने यहाँ मात्राओं का, हमारी ये प्रयास रहा है कि इसमें रेफ वाली मात्रा हो, अम वाली मात्रा हो या आधे अक्षर हो, इन सभी को हमने इन शब्दों का समावेश किया है ताकि बच्चा जो है आसानी से उन सभी मात्राओं को सीख सके और लिख सके। अब जैसे त से हमने यहाँ बनाया तिलक, अब तिलक से त के लिए है टी और छोटी की मात्रा के लिए हो गया आय, ल के लिए हो गया एल, ल अ का स्वर निकल रहा है इसलिए ए लगाया है। ये भी आप समझाइएगा, जैसे बच्चे हैं कि पूछ लेते हैं कि यहाँ आ की मात्रा है नहीं और ए क्यों लगाया है, तो उन्हें आप बोल के बताइएगा कि ल अ का स्वर निकल रहा है इसलिए एल ए और क के लिए हो गया है क। अब यह थिंक अम वाली मात्रा है, तो थ के लिए टी एच है, छोटे की मात्रा के लिए है आय, और अम जैसे मैंने बताया था अम का स्वर है नाक से उसका स्वर निकलता है, तो एन बिंदु के लिए एन। अब बच्चे हैं और बहुत प्रश्न करते हैं बच्चे जी, क्या सुमन होता है बच्चों का, और पूछ बैठेंगे कि यहाँ न है नहीं और आप एन क्यों लगा रहे, तो उन्हें आप इस बिंदु का भी अर्थ आप बोल के बताइए कि अम जो है नाक से निकलता अम, तो यहाँ स्वर जो निकल रहा है वो एन, तो यहाँ इसके लिए हमने लगाया एन और क के लिए है के, तो ये हो गया थिंक। अब है द, द से बनाया हमने दीपक, द के लिए हो गया आपका डी, बड़ी की मात्रा लगी है डबल ई, प के लिए हो गया पी, अब प प फिर वापिस अ स्वर निकल रहा है तो पी ए और क, ये हो गया दीपक। फिर अब देखिए यहाँ रेफ वाली मात्रा, तो ध के लिए है डी एच, ये लिखा है ध अ स्वर निकल रहा है तो डी एच ए, फिर र ध र म, उसको बच्चों को आप उसे अलग अलग करके आप बताइए, धर्म संयुक्त रूप से और अलग करके ध र म, तो बच्चा आसानी से सीखेगा। ध ध के लिए डी एच ए, र के लिए आपका हो गया आर, म के लिए एम ए, म फिर स्वर निकल रहा है म अ का तो एम ए धर्म। फिर है नेस्ट, अब नेस्ट तो न के लिए हो गया एल, एक ही मात्रा के लिए हो गया ई, स के लिए हो गया एस, त के लिए हो गया टी, ये हो गया नेस्ट। अब पेन तो प के लिए हो गया पी, ए की मात्रा के लिए ए, न के लिए हो गया एन। फिर फ से देखिए, फ से एफ और पी एच, ये दोनों शब्द आप देखिएगा, फ से हमने शब्द लिया है पेन और पी एच से फोटो। अब यहां फैन, एफ एन फैन, फ फ के लिए हो गया एफ, ए की मात्रा के लिए ए और न फैन, फोटो तो फ के लिए पी एच, ओ के लिए हो गया ओ, ट के लिए टी, ओ की मात्रा के लिए हो गया ओ, फोटो।
और शब्दों का भी उच्चारण करके आप बच्चों को समझाएंगे। फिर बस से हमने लिया है बैट, बस से बी ए की मात्रा के लिए ए और ट से हो गया टी। अब भ से भारत, तो भ बी एच, बी एच है आ की मात्रा ए, र के लिए आ और त के लिए है टी, भारत। फिर म से हमने शब्द बनाया है मून और इसमें बड़े उ की मात्रा है, तो यहाँ पर जैसे आपको मात्राओं में समझाया था कि बड़े उ की मात्रा है तो डबल ओ लगेगा, यहाँ पर म से एम बड़े उ की मात्रा है डबल ओ और न से हो गया एम, ये हो गया मून। अब हम आते हैं य वर्ग पर और फिर आपको समझाएंगे श्रवण। अब जैसे य के लिए वाय और यहाँ है यॉक, तो यहाँ यॉक, तो य के लिए आ जाएगा वाय, ए के लिए ए और हो गया के, तो ये हो गया यॉक। फिर र से बना रहे हैं हम रो, अब रो तो र के लिए आर, ओ की मात्रा के लिए ओ और प, ये पी ई यहाँ पर लिखा है हमने। लॉक, अब ल के लिए एल, ओ ये जो है मात्रा आ और ये ओ, ओ का स्वर निकल रहा है तो ओ यहाँ इन दोनों के लिए ओ है और सी के, क के लिए आ गया यहाँ पे सी के, एल ओ सी के लॉक। अब फिर है वैन, व के लिए बी, ए के लिए ए और न के लिए है एन। अब यहाँ व से बी भी है और डब्ल्यू भी है। अब यहां देखिए आप वैन और वॉटर, वॉच है ना आ की मात्रा, उसके लिए डब्ल्यू और ए के लिए यहाँ बी लिखा है हमने, तो बी है ये मात्रा है। वॉटर के लिए व के लिए डब्ल्यू, ए की मात्रा के लिए ए और ट के लिए टी और र के लिए ई आर, वॉटर। अब यहाँ है शर्ट, रैफ वाली मात्रा, श एस एच शर्ट, एस एच आई आर टी, रैफ वाली मात्रा और र के लिए आर और टी, ये हो गया शर्ट। फिर है षष्ठी, श एस एच ए श, फिर श एस एच ख टी एच और ये षष्ठी। फिर स, यहाँ है सन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अ के लिए यू का उच्चारण होता है स और अ स, इसके लिए यू और न के लिए है एन। अब है अ से, ह से है हैट, ह एच मात्रा ए, ए ट से टी। फिर है क्षत्रिय, के एस एच, यहाँ क्षत्रिय लिख रहे हैं तो श के लिए के एस एच त्री, ये त्र और बड़ी की ये छोटी की मात्रा, तो त्र के लिए आ गया आर और मात्रा के लिए आ गया ई और य के लिए है, जैसे यहाँ आपको बताया था य के लिए वाय और स्व निकाला य तो वाय ए, ये हो गया क्षत्रिय। फिर है त्रिशूल, त्र टी आर छोटी की मात्रा के लिए आए, श एस एच उ, यू लगा है उ की मात्रा के लिए, ल के लिए है एल। अब हम आते हैं ज्ञानी, ज्ञानी के लिए यहाँ देखिए आप ज्ञानी और ज्ञान, तो ज्ञानी यहाँ जी वाय और जे ए जे एन ए। अब ज्ञानी के लिए जी ज्ञा जी वाय और आ की मात्रा के लिए ए, न के लिए एन, ई की मात्रा के लिए आई, ये हो गया ज्ञानी। अब ये ज्ञान, तो यहाँ ये ज्ञा जे एन ए आ की मात्रा के लिए आ गया ए, न के लिए आ गया एन। ये आपको 12 खड़ी पार्ट 2 व्यंजनों और स्वर, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, इनका समावेश आप यहाँ देखें, बहुत ही खूबसूरती से किया गया और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है, और आप ये देखकर आप बताएं कि आपको कैसा लगा
और 7 मिनट समझाने के बाद आप बच्चों को कुछ शब्द आप अपने दें, उनका टेस्ट लें और आप बताइए कि आपके बच्चों ने कितना बेहतर किया है। और आप इससे टीचर में और हमारे पढ़ाने के तरीके में आप क्या बदलाव चाहते हैं, आपको कैसा लगता है हमारा पढ़ाने का तरीका, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।